ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, जो एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3x3 है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, और ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स को यदि स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, वो ए के बराबर है, देन विच ऑफ द विच इज इक्वल टू ए प्लस यूनिट मैट्रिक्स होल क्यूब इक्वल टू -7, तो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, तो इसे देखिए क्या बोल रहा है। आपके पास गिवन है, आपके पास क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ये गिवन है, ठीक है, इक्वल टू ए गिवन है, ठीक है, और आपके पास क्या ए प्लस आई, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू -7a, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने पर बोला जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा, मतलब क्या इसको सॉल्व करना है, ये इसे सॉल्व करके बताना है कि क्या है, और आपको गिवन में क्या है, गिवन में ए स्क्वायर इक्वल टू ए ये गिवन है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा, यदि मैं ऑपरेशन लगाऊँ बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करूँ, तो आप जानते हैं आपके पास एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, आप सो कि ए प्लस बी का होल क्यूब की मैं बात करूं तो आपके पास फॉर्मूला है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है क्लास 8, 9, 10 क्लास का, ये फॉर्मूला यूज और फ्रिक्वेंटली यूज भी होता है ये फॉर्मूला, तो इसको यहाँ पे अप्लाई कीजिए। आप ये ए और ये बी से एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है, प्लस यूनिट मैट्रिक्स का क्यूब प्लस 3a इंटू यूनिट मैट्रिक्स ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, बी क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ए आपका कैपिटल ए है, ठीक है, और ये -7 है तो -7a, ठीक है, ये फॉर्मूला है, सिर्फ इसे ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला की तरह इसे यूज कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसे ए क्यूब को आप लिख सकते, ए स्क्वायर को आप ए लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है, इसे आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, और किसी भी यूनिट मैट्रिक्स पे यदि कोई पावर हो, कोई घात हो, तो वो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही होता है, इसके आई क्यूब हो, आई फोर हो, आई स्क्वायर कुछ भी हो, तो ये आई के बराबर ही होगा, ठीक है, चलिए, ठीक है। अब ये किसी भी यूनिट मैट्रिक्स को यदि किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी मैट्रिक्स को यदि यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, इसका मतलब क्या, ये ए और यूनिट मैट्रिक्स, ये पूरा क्या होगा 3a होगा, और ये 3a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा स्क्वायर होगा, ये 3a इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स 1 बनेगा, ये इसके साथ 1 बन जाएगा, 3a हो जाएगा, -7a, ठीक है। अब देखिए इससे आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो ये ए हो जाएगा, ये ए बनेगा, तो ये ए और ये ए क्या होगा फिर से ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर ए है और ये फिर एक ए, तो ए और ए ए स्क्वायर फिर से बनेगा, ठीक है, चलिए प्लस, और देखिए ये क्या हो गया आपके पास यहाँ पर, हाँ प्लस ये यूनिट मैट्रिक्स प्लस ये जो ए स्क्वायर है, इस ए स्क्वायर को फिर से आप क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, 3a प्लस 3a माइनस 7a, ठीक है, देखिए तो क्या आपके पास हो गया, और इस ए स्क्वायर को फिर से आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई क्यूब प्लस 3a प्लस 3a माइनस 7a। अब देखिए ठीक से देखिए आप यहाँ पे 3a 6a और ये a 7a, 3a प्लस 7a और ये माइनस 7a के साथ क्या होगा, ये सारा कैंसिल होगा, तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, आई क्यूब बचेगा, मतलब एक यूनिट मैट्रिक्स बचेगा, इसका मतलब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, गिवन कंडीशन के अनुसार ये बचेगा आपके पास यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है आपके पास, ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं एक बेसिक सा फॉर्मूला को यूज करते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 37 टू मैट्रिक्स ए बी आर कन्फॉर्मल फॉर द मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स हैं उनके मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल कब होगा, कब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, इसके क्या कंडीशन है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए तो मैंने आपको बताया कोई दो मैट्रिक्स है और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा, जब पहले वाले का कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, देखिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स, तो ऑप्शन सी आपका। तो पहले मैट्रिक्स का ना कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रो। इसका मतलब क्या, यदि ये एम एन है सपोज इसका ऑर्डर, और ये है पी और क्यू है, तो पहले का कॉलम और दूसरे का रो, मतलब एन इक्वल टू पी होना चाहिए। इसी बात को वहां पर लैंग्वेज में लिखा गया है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए जो पहला मैट्रिक्स है उसका क्या कॉलम, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका रो। तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हाँ, इफ ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजेसेंट ऑफ ए, ए एडजॉइनिंग ऑफ ए, ए एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। ये फॉर्मूला है आपके पास, एक फॉर्मूला है ए एडजॉइनिंग एडजॉइंट ए इक्वल टू जो होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। इस पे इससे संबंधित प्रश्न को, क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी हल कर रखा है। तो ये बेसिक सा क्या है, कॉन्सेप्ट है, आप कह सकते हैं एक फॉर्मूला भी है मैट्रिक्स में। तो ए एडजॉइनिंग ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन आपका कौन सा है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन एमसीक्यू में होते हैं। इफ ए इक्वल टू आई जीरो जीरो आई, आई यहां पर एरोटा है, एरोटा मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एलिमेंट है, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट होता है इमेजिनरी, तो वही आयोटा है ये। ठीक है, वन जीरो जीरो आई, आई जीरो जीरो आई और ए स्क्वायर पूछा गया। सिंपली से यहाँ पूछा गया है कि ए स्क्वायर पूछा गया है, इसका मतलब क्या, ए इंटू ए पूछा गया है आपसे, इसका मतलब क्या, ए को आप दो बार मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, ए को दो बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई जीरो जीरो और आई, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लीकेशन से सब सॉल्व करेंगे तो वो भी बहुत आसान है। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। कीजिए आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई स्क्वायर, जीरो को जीरो से तो प्लस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है फिर। ठीक है, इस आई को जीरो से करेंगे तो जीरो, इस जीरो को आई से करेंगे तो जीरो। दूसरा एलिमेंट उसी तरह से, इस रो को पकड़िए, इस कॉलम को लीजिए, जीरो को आई से करेंगे तो जीरो। ठीक है, आई को फिर से जीरो से करेंगे तो फिर से जीरो ऐड होगा इसमें, फिर ये जीरो और ये इसके साथ आई, आई स्क्वायर। ये सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, और आपको पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन के बराबर होता है। तो इसका मतलब आई स्क्वायर यदि माइनस है तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, माइनस वन जीरो जीरो और माइनस वन, ये आपका बन जाएगा ऑप्शन। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, द मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स ऑफ इफ द वैल्यू ऑफ के, मतलब क्या, एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है आपके पास, वो मैट्रिक्स देखिए क्या है आपके पास, थ्री फाइव, ठीक है, टू और के, एक मैट्रिक्स दिया है और बोला है क्या कि नो इनवर्स, हैज नो इनवर्स, मतलब क्या, ये इन्वर्टेबल मैट्रिक्स नहीं है, इसके इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यदि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। यदि किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर होता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है, इन्वर्स नहीं निकाल सकते, इन्वर्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब क्या, यदि ये नो इन्वर्स, इसका मतलब ये क्या है, जीरो के बराबर है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, डायगोनली मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे दूसरे डायगोनल के साथ, मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, थ्री के माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, टेन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से के इक्वल टू क्या होगा, टेन बाय थ्री होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, यदि के इक्वल टू टेन बाय थ्री होगा तो तभी इसका क्या होगा, इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है आपके पास, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, हाँ, इफ ए इज इतना देन, ठीक है, क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू देन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, चेक करना होगा ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए और नॉन ऑफ दीज, बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। यदि ए दिया है तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है,
विच वन इज करेक्ट। ठीक है, देखिए तब यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप इसका देखिए डिटर्मिनेंट ही है तो आप इसका डिटर्मिनेंट को जीरो बता रहा है, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स बता रहा है, तो आप देखिए थोड़ा सा कि इसका डिटर्मिनेंट निकालिए आप, देखिए तो क्या होगा, डायगोनल फोर फोर और ये माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू, क्या है जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या, ये जो डिटर्मिनेंट निकाले इस मैट्रिक्स का वो क्या हुआ, जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन यहाँ से नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि यदि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता है तो इनवर्स पॉसिबल है, इनवर्स पॉसिबल है, इसका मतलब क्या है, ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अस्तित्व में रहेगा, तो ए इनवर्स यहाँ पॉसिबल है, ए इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन तो होगा, चलिए ये ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या, ए स्क्वायर क्या बोला जा रहा है, टू ए के बराबर है, तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखना होगा इसे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब क्या, ए स्क्वायर ले लीजिए, ए स्क्वायर का मतलब टू टाइम्स ए, ए इंटू ए, ए इंटू ए को आप बोल सकते हैं टू ए के बराबर है कि नहीं, चलिए चेक कीजिए, इसको लिखेंगे वन टू थ्री और फोर, ये है वन टू थ्री और फोर, और दूसरा फिर से एक बार लेंगे हम लोग क्या, ए लेंगे वन टू और थ्री और फोर, ठीक है, इक्वल टू क्या है, टू ए, टू ए क्या है आपके पास, वन टू थ्री और फोर है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन इंटू वन वन, थ्री इंटू टू सिक्स, ठीक है, सिमिलरली वन इंटू टू टू, टू इंटू फोर एट, ठीक है, थ्री इंटू वन थ्री, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, थ्री ये सिक्स हो जाएगा और ये कितना सिक्सटीन हो जाएगा, ठीक है, इसको लीजिए और सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको यहाँ सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टू ये दो दोना चार, ये छः और ये आठ, ठीक है, अब इसे जोड़िए सेवन टेन, सेवन टेन फिफ्टीन और ये क्या ट्वेल्व, देखिए ट्वेल्व हो गया, तो देखिए क्या ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, ये बोला था क्या ए स्क्वायर इक्वल टू टू ए, तो ए स्क्वायर को मैंने सॉल्व किया, टू ए को सॉल्व किया, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी आपका सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये सी ऑप्शन भी गलत है, तो और डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्या है बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, ए इनवर्स एग्जिस्ट मतलब क्या, ए इनवर्स अस्तित्व है, इसका मतलब ए इनवर्स फंक्शन इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, चलिए यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, हाँ इफ ए इक्वल टू दिया है, बी इक्वल टू दिया है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी बोला जा रहा है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, वैल्यू ऑफ अल्फा इज ये फाइंड आउट करना है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले क्या है ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो पहले ए स्क्वायर को आप लिख लीजिए, ए स्क्वायर का मतलब टू टाइम्स ए, टू टाइम्स ए को आप ए स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर कह सकते हैं, तो आप लिखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये अल्फा हो गया जीरो वन वन, इसको टू टाइम्स लिखना है अल्फा जीरो वन वन, मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का जो मेथड है रूल है उसे फॉलो करना है, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो अल्फा स्क्वायर जीरो इसके साथ जीरो ऐड होगा जीरो, उसके ये अल्फा जीरो के साथ तो जीरो और ये इसके साथ तो ये जीरो बनेगा, ठीक है, ये सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो के साथ तो ये क्या होगा अल्फा ये प्लस वन, ठीक है, ये जीरो और ये वन, ये इस तरह से बनेगा और ये किसके बराबर है, देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर बी के बराबर, तो बी मैट्रिक्स आप यहाँ पर ले सकते हैं, बी आपके पास क्या है वन जीरो फाइव और वन, ठीक है, फाइव और वन ये है, तो ये हो गया आपका इसके इक्वल है, तो अब देखिए इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स क्या बोलता है कि सर हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो देखिए इसका मतलब अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू वन और यहाँ से अल्फा प्लस वन इक्वल टू क्या ये फाइव, फाइव तो यहाँ से अल्फा आप निकाल सकते हैं क्या फोर और यहाँ से अल्फा आप निकाल सकते हैं प्लस माइनस वन, ठीक है, तो आप बताइए ये स्क्वायर में है तो मैक्सिमम दो वैल्यू पॉसिबल होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए अल्फा के तीन वैल्यू आप आ रहे हैं एक ही सेम समय में सेम टाइम में, अल्फा का वैल्यू फोर भी हो सकता है, अल्फा का वैल्यू वन भी हो सकता है, अल्फा का वैल्यू माइनस वन भी हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम टाइम पे एट ए सेम टाइम डिफरेंट वैल्यू ऑफ अल्फा इज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है, एक ही समय पर अल्फा के तीन तीन वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं अल्फा हैज नो रियल वैल्यू। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्वल टू टू वन टू फोर टू देन टू ए, टू ए डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए, ठीक है डिटर्मिनेंट ऑफ टू ए बोल रहा है। तो पहले आप तो इसको देख लीजिए ए है, तो क्या बोला जा रहा है कि इस अंदर देखिए अंदर 2a है, ठीक है अंदर 2a मतलब 2a जो है 2 को a से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2a पहले फाइंड आउट कीजिए आप। 2a क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स बनेगा 1, ठीक है 2 से बनेगा 4, ये 4 दुना 8 फिर ये 4, ठीक है सबको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है 1484, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है, इसका डिटर्मिनेंट को निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट मतलब क्या, ये मॉड ऑफ 2a मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्योंकि वही पूछा गया है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a को लिखिए, इसका मतलब क्या, इसी चीज को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है, 1484 में लिखना है, ठीक है। और वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यदि दो कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 2 4 और 2 बचेगा, ठीक है 4 और 2 बचेगा। अब देखिए इसे आप कह सकते हैं ये 2 है और ये क्या है, एक मैट्रिक्स के बराबर है, जो गिवन मैट्रिक्स है उसी के बराबर है ये, तो 1 2 4 और 2 इसका मतलब क्या हुआ, 2a के बराबर है, ठीक है 2a, या बोल सकते हैं यहाँ से भी 2a बोल सकते हैं, या फिर आप इससे भी बोल सकते हैं 2, ये है डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब क्या, इसे भी आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन जो है वो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू, ठीक है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसे इस तरह भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा आपके पास है, ऑप्शन बी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है यहाँ पे, 2 into determinant of A, ठीक है ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपका द इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका इनवर्स फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैं शॉर्टकट आपको ट्रिक बताता हूँ, इनवर्स फाइंड आउट कैसे किया जाता है। यदि आपके पास ए बी सी और डी दिया गया है, तो इनवर्स इसका यदि ए दिया गया है आपसे, ए इनवर्स पूछा जाए, तो इसको आप शॉर्टकट तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि सबसे पहले आप इसे इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है इसे इंटरचेंज कर दीजिए, इसका मतलब डी और ये ए, और इसके साइन को चेंज कर दीजिए, मतलब माइनस बी और सी, मतलब क्या इसके पोजीशन को इंटरचेंज करना है, मतलब क्या डी वहाँ जाएगा ए यहाँ आएगा, और इसके साइन को चेंज करना है, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहाँ भी साइन को चेंज कर देना है, तो ये होगा, तो यहाँ भी प्लस है माइनस, तो यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो ये आपका ए इनवर्स निकलेगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यदि ये दिया गया है, ये आपके पास गिवन हो, ये आपके पास गिवन है, तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। इनवर्स क्या होगा, ये दोनों चीज जो है इंटरचेंज होगा, पोजीशन चेंज होगा, ये यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा, मतलब क्या कॉस थीटा, ठीक है और ये कॉस थीटा यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या कॉस थीटा, दोनों सेम ही है इसीलिए पता नहीं चल रहा आपको, लेकिन ये साइन चेंज होगा, ये जो माइनस में है वो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा साइन थीटा, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस में हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही, ये इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स है, यदि आप इसे ए मानते हैं तो उसका इनवर्स क्या होगा, ये होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा आपके पास, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 44 था आपके पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब ऑर्डर इसमें जो है ऑर्डर 2 है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, क्या पूछा गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, बहुत बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप इनवर्स फंक्शन को हमेशा इनवर्स फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इनवर्स फंक्शन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट बोलिए या इनवर्स बोलिए, इसका एक छोटा सा प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप ये बात बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही ऑप्शन।